सो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल टेक्नोलॉजी सही। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी से बात करूंगा यूट्यूब पे आप खुद का पहचान कैसे बना सकते हैं। फ्रेंड्स, आप में से कई सारे यूट्यूबर्स लोग मुझसे काफ़ी बहुत देर से बोल रहे हैं से फ्रेंड्स, मतलब कि ऐसे बोल रहे हैं, भाई तुम मुझे ये बताओ से यूट्यूब पे मतलब कि खुद का पहचान कैसे बनाएं, मतलब कि खुद का जो मतलब कि हम लोगों को पहचान सके से हम लोग मतलब कि कौन से कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, हम लोग का यूट्यूब चैनल है, मतलब कि देखते ही पहचान ले आपको से ये एक यूट्यूबर है। तो मतलब कि क्या क्या आपको मैं आपको बहुत सारे टिप्स दूंगा, वो टिप्स को प्लीज़ फॉलो करिएगा। अगर वो टिप्स को फॉलो करेंगे, ज़्यादा टिप्स नहीं है इसमें, मैं आपको कम से कम मतलब कि 4-5-6 टिप्स दूंगा या फिर उससे भी कम हो सकता है, तो प्लीज़ उसको फॉलो करिएगा और वीडियो को देखते रहिए लास्ट तक। तो इसी के साथ मैं वीडियोज़ को स्टार्ट करता हूँ। हेलो फ्रेंड, माय नेम इज ललित नैन एंड यू आर वाचिंग टेक्नोलॉजी सही। लेट्स स्टार्ट फ्रेंड। तो फ्रेंड्स, तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। मैं आशा करता हूँ आप वो रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करेंगे ही। फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दीजिए सब्सक्राइब करने के बाद, जिससे आने वाले वीडियोस आप कभी मिस नहीं करेंगे इस यूट्यूब चैनल पे। तो इसी के साथ मैं वीडियोस को स्टार्ट करता हूँ। फ्रेंड मैं आपको कुछ टिप्स दूंगा, मैं आपको कुछ टिप्स ऐसे ऐसे बताऊंगा जिसको आपको फॉलो करना ही है, चाहे आपको कोई भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो, कोई भी यूट्यूबर कैटेगरी से, आपको ये सब टिप्स को फॉलो करना ही है। अगर आप इस टिप्स को फॉलो करते हो तो आपके लिए अच्छा रहेगा, मतलब कि कोई भी मतलब कि यूट्यूबर आपके कोई भी फैमिली है तो ऐसे में आपको मतलब कि कुछ नेगेटिव वर्ड नहीं बोलेगा। तो चलिए पहले टिप की ओर बढ़ जाते हैं। फ्रेंड, आप में से कई सारे यूट्यूबर्स मतलब कि ऐसे भी हैं जिसके मतलब कि कई सारे लोग ऐसे हैं जो यूट्यूब पे एक वीडियो अपलोड कर देते हैं, कोई कोई 10-15 वीडियो अपलोड कर देते हैं यूट्यूब चैनल क्रिएट करने के बाद, और वो अपने आप को मतलब कि यूट्यूबर मानते हैं। तो आपका बात एकदम सही है। मैं भी मतलब कि मैं जब ही यूट्यूब चैनल पे आया था तो मतलब कि मैं जब ही वीडियो बनाया था तो मैं समझ लिया था से अब मैं एक यूट्यूबर बन चुका हूँ। तो ये बात सही है, एकदम यूट्यूबर आप बन चुके हो। पर मतलब कि आप लोग ऐसे मतलब कि इतना हद से ज़्यादा मतलब कि बोल देते हो से मैं यूट्यूबर बन चुका हूँ, मेरे यूट्यूब पे पैसे आएंगे अभी। अगर मतलब कि आप मतलब कि यूट्यूब पे आ रहे हो और आप पैसे के लिए आ रहे हो तो ऐसे में आप यूट्यूबर नहीं बन पाओगे। तो ध्यान से सुनिएगा, मतलब कि आप मतलब कि कुछ मतलब कि पॉजिटिव सोचो, कुछ अच्छे है, मतलब कि अपने वीडियो में कुछ अच्छा कंटेंट डालो, कुछ ट्राई टू डू समथिंग डिफरेंट, कुछ अलग तरीके से डालो। तो ऐसे में क्या होगा, आपके ऑडियंस भी आपसे अट्रैक्ट होंगे और ऐसे में आपको सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन दबाएंगे और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक भी करेंगे। ऐसे में मतलब कि आपके लिए अच्छा रहेगा। तो मैं आपको क्या समझाना चाहता हूँ, चलिए मैं आपको बता देता हूँ। फ्रेंड, कोई कोई यूट्यूबर लोग अपना चैनल क्रिएट कर लेते हैं और साथ ही साथ उसको मतलब कि यूट्यूबर लोग मान लेते हैं वो एक यूट्यूबर है। तो आपका बात सही है। तो मतलब कि जैसे कि आपके 50 सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं और आप मतलब कि एक फैमिली, अपने फैमिली को, अपने खुद के फैमिली को या फिर आपके रिलेटिव, आपके मतलब कि रिलेटिव के चाचा चाची कोई भी हो, मतलब कि जैसे कि आपके फ्रेंड, स्कूल के फ्रेंड, उन सभी को आप बता देते हो अपने यूट्यूब चैनल के, एक वीडियो को डाल देते हो, नहीं तो 10-15 वीडियो डाल देते हो कोई सा भी इधर उधर का, व्लॉगिंग करके डाल देते हो, नहीं तो अपना खुद का फेस दिखा के अपना एक वीडियो बना देते हो, 1-2-10-15 ऐसे वीडियो बना के बोल देते हो मैं एक यूट्यूबर बन चुका हूँ, मेरा भी पैसे आने स्टार्ट हो जाएंगे, 10-15 वीडियो में ही पैसे आने स्टार्ट हो जाएंगे। तो ऐसा बात नहीं है। जब तक आपके 1000 सब्सक्राइबर्स नहीं हो जाते और 4000 आवर्स का वॉच टाइम कंप्लीट नहीं हो जाता और 10000 साथ ही साथ 10000 का मतलब कि व्यूज़ भी कंप्लीट होना चाहिए, तो 10000 व्यूज़ तो ऐसे ही कंप्लीट हो जाएंगे जैसे 4000 वॉच टाइम कंप्लीट हो जाएगा आपका। तो मतलब कि जैसे ही आपके ये सब तीनों कंप्लीट हो जाते तब जाके आप यूट्यूबर बन जाओ। और जब तक मैं मतलब को बता देता हूँ, अगर आप सक्सेसफुल यूट्यूबर बनना चाहते हो, मतलब कि यूट्यूब पे खड़े होना चाहते हो अपने खुद के दम पे, तो सबसे पहले आपको मतलब कि खुद के यूट्यूब में फर्स्ट पेमेंट आपको लेना पड़ेगा। जैसे ही आप फर्स्ट पेमेंट ले लोगे तब जाके आप एक सक्सेसफुल यूट्यूबर हो। और उससे पहले आप सोच रहे हो से मैं यूट्यूबर हूँ, एक मैं सक्सेसफुल यूट्यूबर हूँ, तो ऐसे आप भूल जाइए, ऐसे में आप कोई भी यूट्यूबर नहीं हो।
आपके जब तक फर्स्ट पेमेंट नहीं आ जाती तब आप एक सक्सेसफुल यूट्यूबर नहीं बने हो। तो आप में से कई सारे लोग ऐसा करते हैं और मतलब कि अपने फ्रेंड को बता देते, अपने फ्रेंड के रिलेटिव को बता देते जैसे मैं यूट्यूबर हूँ। तो ऐसे में क्या होगा, आप सोच रहे हो जैसे मैं फ्रेंड को बताऊँ तो उसमें क्या हो जाएगा मेरे को, तो वो भी मैं आपको डाउट्स क्लियर कर देता हूँ। फ्रेंड अगर आप अपने फैमिली को बताते हो तो फैमिली 50-90% चांस है आपके फैमिली आपको शायद बोल देंगे से तू यूट्यूब में क्यों आया, अभी पढ़ाई कर, तेरा पढ़ाई का एज है, काम तो चलते रहेगा, पैसा तो तू जिंदगी भर कमाते रहेगा। ऐसे ऐसे बहुत सारे फैमिली लोग आपको बोल भी देंगे और कोई कोई लोग तो फैमिली लोग नहीं भी बोल सकते क्योंकि आप अभी सोचेंगे से अभी ऑनलाइन का मतलब कुछ अभी टेक्नोलॉजी चल रहा है तो ऐसे में कुछ अलग तरीके से कर रहा है मेरा बेटा तो कुछ अलग तरीके से तो कुछ अच्छा ही होगा। तो कोई कोई फैमिली लोग बोलते हैं, कोई कोई फैमिली लोग नहीं बोलते हैं। तो अभी मेन जो मकसद आता है वो आता है फ्रेंड का। अगर आप फ्रेंड को बता देते हो तो फ्रेंड आपके क्या करेंगे, फ्रेंड आपके ये करेंगे से फ्रेंड आपको ऐसे बोलेंगे, अगर आप फ्रेंड को बता दिए तो एक दिन फ्रेंड को बता दिए तो एक दो महीने बाद आपके फ्रेंड क्या बोलेंगे, भाई तेरा यूट्यूब चैनल कैसा चल रहा है। तो आप बोलोगे इसे कुछ अच्छा ही चल रहा है, अभी मैंने 15-20 वीडियो अपलोड कर दिया, मेरे 50 सब्सक्राइबर्स हो गए हैं। तो ऐसे में क्या होगा, ऐसा आप अगर बोल दिए तो ऐसे में क्या होगा, बोलेंगे इसे अभी तक मैं तू यूट्यूब पे पैसे नहीं कमाया, वाह वाह। ऐसे में मतलब ऐसे में आपके सामने जो आपका जो रिस्पेक्ट रहेगा वो ख़राब होगा। और ऐसे में मतलब कि बोला ऐसे मैं अगर एक महीना काम कर लेता हूँ ना तो अभी तक मैं 10-15 हज़ार रुपये कमा लेता, ऐसे भी आपको बोल सकते हैं। तो बोला ऐसे भाई ऐसे आप कुछ भी बोल सकते हो उसको, ऐसे बोलोगे तो ऐसे में आपका रिस्पेक्ट भी ख़राब होगा। आप यूट्यूबर हो तो आपके रिस्पेक्ट रहेगा पर मतलब कि कुछ अलग तरीके से आपको अंदर से फील होगा से हाँ मैं अभी तक एक दो महीने से यूट्यूब पे काम कर रहा हूँ पर मेरे अभी तक पैसे नहीं आए, यूट्यूब मेरे को बेवकूफ़ बना रहा है। पर ऐसा बात नहीं है, आप जब तक आपके 4000 वॉच टाइम और 1000 सब्सक्राइब कंप्लीट नहीं होता है तब तक आप यूट्यूब पे चालू रखो, अपने कंटिन्यूस करते रहो। जैसे ही आपके 4000 वॉच टाइम और 1000 सब्सक्राइबर्स पूरे हो जाते तब जाके आप एक सक्सेसफुल यूट्यूबर बनोगे और आप पैसे भी कमाने लग जाओगे, तब एक सक्सेसफुल यूट्यूबर बन जाओगे। तब जाके मैं आपको एक टिप देता हूँ, तब जाके आप अपने फ्रेंड को बताओ से मैं एक यूट्यूबर हूँ, तो तब आपके फ्रेंड बोलेंगे से हाँ तू ऐसा है चल तेरा चैनल बता। तो ऐसे में आप चैनल आपको उसको दिखा सकते हो और ऐसे में वो चैनल पे अगर 1000 से ऊपर सब्सक्राइबर्स हुआ तो बोलेगा से ओए तू मतलब चैनल कब क्रिएट किया, तेरे कितने सब्सक्राइबर्स, तू कुछ टिप्स बता मुझे। तो ऐसे में आपको कुछ अच्छा लगे से हाँ मेरा फ्रेंड भी मुझसे जानना चाहता है से मैं एक यूट्यूबर हूँ मैं क्या कर सकता हूँ, तो आपको कुछ अंदर से अच्छा फील होगा। तो मैं आप सबसे आशा करता हूँ ये एकदम इम्पॉर्टेंट टिप है, आप इस टिप को फॉलो कीजिए और ऐसे में आपको अच्छा रहेगा से आप मतलब कि इस तरीके से टिप्स को फॉलो करेंगे। फ्रेंड अब हम बढ़ते हैं अपने दूसरे टिप की ओर, और दूसरा टिप एकदम छोटा टिप है और पहला जो टिप था वो बड़ा टिप था, उसके लिए उसमें 5-6 मिनट लग गया था। और ये जो दूसरा टिप है ये मतलब कि छोटा सा टिप है, मैं आपको बता देता हूँ। ये जो दूसरा टिप है और ये इम्पॉर्टेंट भी है, अपने फ्रेंड अगर आपको अपने यूट्यूब चैनल पर खुद का पहचान बनाना है तो अपने यूट्यूब चैनल पर कुछ अलग तरीके से करना होगा, ट्राई टू डू समथिंग डिफरेंट कुछ अलग तरीके से। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको एक मूवी का नाम बताऊँ तो मतलब कि सीक्रेट सुपरस्टार आपने एक मूवी देखा होगा, उसमें एक लड़की रहती है मतलब कि बुरखे वाली लड़की, और उसमें मतलब कि वो लड़की बुरखा पहन के और मतलब कि उसमें मतलब कि अपने यूट्यूब चैनल पे अपने यूट्यूब चैनल का नाम सीक्रेट सुपरस्टार रखती है। आप अभी भी यूट्यूब पे सर्च मार सकते हो सीक्रेट सुपरस्टार, ऐसे अगर आप सर्च मारोगे तो उसमें आपको बुरखे वाली लड़की मिलेगी। वो एक मूवी की तरफ से मतलब कि चैनल क्रिएट किया गया था और मूवी में अभी कुछ भी अपलोड नहीं किया जाता है, तो आप उसके लिए चैनल भी क्रिएट कर सकते हो। तो सीक्रेट सुपरस्टार मतलब कि मूवी आप देखोगे तो उसमें बुरखे वाली लड़की अपने खुद के दम पे अपना कुछ अलग तरीके से कर रही है, जो यूट्यूब पे कोई भी बंदा है ना मतलब कि कुछ साउंड्स को इफेक्ट कर देता है, वो अपने दम पे खुद का साउंड मतलब कि क्रिएट करती है, खुद का गाना गाती है। तो ऐसे में क्या होता है उसका चैनल है ना एक दिन में कहाँ से कहाँ चला गया था। तो मैं आपको कुछ टिप्स देना चाहता हूँ, अगर आप अपना एक यूट्यूब चैनल पर खुद का पहचान बनाना चाहते हैं तो आपको कुछ अलग तरीके से करना पड़ेगा। फ्रेंड आपने देखा होगा उसको, तो एक दिन में उसने ऐसा किया था, 3-4 दिन में तो उसके न्यूज़ में अखबार में सब में आने आ गया था, न्यूज़पेपर में ये सब में आ गया था से बुरखे वाली लड़की का वीडियो अपलोड नहीं हो रहा है अभी ऐसा ऐसा। तो मतलब कुछ अलग तरीके से आप कीजिए, आप अभी भी मतलब कि बुरखे मतलब कि सीक्रेट सुपरस्टार यूट्यूब चैनल आपने नहीं देखा है, सीक्रेट सुपरस्टार फुल मूवी भी आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके सबसे पहले वो देखिए। वो एक यूट्यूबर पे बेस्ड है, वो मूवी काफ़ी अच्छा मूवी है वो, और मतलब कि एकदम मतलब कि उस पर सच्ची कहानी है एक तरीके से मैं बोलूँ, वो एक यूट्यूबर पे बेस्ड है तो बहुत अच्छा मूवी है। तो पहले आप वो जाके देखिए तो उससे कुछ आपको नॉलेज मिलेगा और मुझे भी उससे उनसे कभी काफ़ी ज़्यादा नॉलेज मिला है। तो यही मतलब कि यही एक छोटा सा
टिप था, मैं आपको दो टिप दे दिया हूँ और मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। कुछ अलग कीजिए, ट्राई टू डू समथिंग डिफरेंट, कुछ अलग तरीके से कीजिए तो आपको कोई भी ज़िंदगी में यूट्यूबर बनने से कोई भी नहीं रोक सकता। तो फिलहाल कितने ही दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए दोस्तों, शेयर कर दीजिए और एक छोटा सा टॉपिक से कमेंट कर दीजिए। फिलहाल कितने ही दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम और देखते रहिए टेक्नोलॉजी सही।